एक टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हुए समय के साथ जो पानी में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनकी वजह से वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर लाइम स्केल, डिटर्जेंट के रेसिड्यू, मोल्ड्स और बैक्टीरिया वगैरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करने से वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी भी मेंटेन रहती है, वॉशिंग मशीन से कोई बैड स्मेल वगैरह भी नहीं आती है, एंड आपको आपके कपड़ों के अंदर भी वॉशिंग के रिजल्ट्स हमेशा बेस्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस लाइव डेमो वीडियो में हम लोग इस IFV की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर टब क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और जानेंगे कैसे इस वॉशिंग मशीन का क्लीनिंग होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब हम लोग कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस वॉशिंग मशीन के अंदर इसका एक लिंट फिल्टर होता है। इस लिंट फिल्टर को हम लोग निकाल के हम लोग क्लीन करते हैं। ये वॉशेबल होता है, आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, एंड वॉश करके ये ईजिली अपने सॉकेट पर ये कनेक्ट हो जाता है। और इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए जब आपको लगभग एक महीने का समय हो जाए, तब आपने क्या करना है, तब आपने यहाँ पर इसके टब क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करना है। और जब इस टब क्लीन वाले प्रोग्राम को आप रन करें, तो वॉशिंग मशीन के अंदर आपने कोई डीस्केलर नहीं डालना है, कोई डिटर्जेंट नहीं डालना है, कोई विनेगर नहीं डालना है, कुछ भी आपने इसके अंदर नहीं डालना है। एज इट इज़ आपने इस प्रोग्राम को रन करना है। तो ये साइकिल आपने रन करना है महीने में एक बार। और जब इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए आपको 6-7 महीने का समय हो जाए, तब आपने इसको टब क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करना है विद द हेल्प ऑफ डीस्केलर। तब आपने वो डीस्केलरिंग के पाउडर को इसमें आपने यूज़ करना है, और वही आज हम करके देखेंगे अपनी इस लाइव डेमो वीडियो। तो जब 6 महीने में एक बार हम लोग इसके टब क्लीन वाले प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले आपने इसके ये इनलेट पाइप को आपने इसे ओपन करना है। इजीली ये इनलेट पाइप इसका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर एक इनलेट फिल्टर है, तो सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है। ये देख, इस तरह से ईजिली ये ओपन हो जाता है। ये इसका सबसे पहला वाला फिल्टर है। इसके अंदर एक फिल्टर और है, आपने इसको भी निकाल देना है। ये देखिए, तो होता क्या है ना, जब समय के साथ क्या होता है, पानी के अंदर ना डस्ट वगैरह आती हैं, तो इस फिल्टर में वो डिपॉजिट हो जाती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन जब नई होती है तो फास्ट पानी लेती है, बट जब वॉशिंग मशीन को टाइम हो जाता है यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर डस्ट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण भी मशीन जो है पानी लेने की स्पीड कम कर देती है। तो इसको आपने क्लीन करना है ईजिली। आप इसे ब्रश की हेल्प से आप इसे क्लीन करके देन वापस आप इसमें प्लग इन कर सकते हैं, देन क्लीन करके आप वापस इसे ईजिली लगा सकते हैं। तो ये बड़े आराम से लग जाता है इस तरह से। देन फिर अपने इनलेट पाइप को भी हम लोग इसमें वापस कनेक्ट कर लेंगे। तो इस वॉशिंग मशीन के ड्रम क्लीन के लिए हम लोग जो ये पाउडर यूज़ करेंगे वो IFV कंपनी का ही है, जिसका जो क्वांटिटी है 100 ग्राम का। तो ये 100 ग्राम का पाउडर हम लोग पूरा यूज़ करेंगे इस टब क्लीन वाले प्रोग्राम में। तो डीस्केलिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम लोग मशीन को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ से मशीन मैंने ऑन किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके डिले वाले प्रोग्राम के अंदर आपको टब क्लीन का प्रोग्राम मिलेगा। इसको यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये प्रोग्राम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टब क्लीन लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। ये मेरा स्टार्ट हो चुका है।